ये आप सब दीदी बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनके घर में सब कोई इनको बोल रहा है, उल्टा इन्हीं को बोल रहा है और किसी को नहीं बोल रहा है। भैया को तो कोई बोल नहीं रहा है। दीदी जातरी कहे घर वाले से कि चल गिल बाड़ो ना ही करम हो करम, तो ना ही घर से कोई पैसा दे रहा है, ना ही कोई हेल्प कर रहा है, ना ही कोई भैया को समझा रहा है। बस दीदी को ही अंदर से अंदर मतलब वो नहीं होता है, खोबसा टाइप के उस टाइप के बोल रहा है सब कोई कि तू ही मैं करता रहूँ, तू ही मैं करता रहूँ। दीदी के इसमें कोई गलती नहीं है फैन लोग, हम क्या बताएं। भैया का जब मूड आता है तब चले जाते हैं और भैया के बारे में केहू भी कुछ नहीं कहत, सब इनके के दोस्त कहता। अब बताइए आप सब दीदी ये क्या गलती है एकरा में। और दीदी कुछ पैसा ही मांगते रही या कहते रही केस करे के, तो वो नहीं खंजा करत, कहत रंजन ना ये सब एथु बात बा, गंदा बात बा, तो काहे मतलब भागल बड़न भैया, तो वो गलत बात नहीं है। बिना हस्बैंड के कैसे एक औरत रहेगी इतना दिन, आज मतलब 7-8 दिन हो गया। दीदी कैसे रहत रही तो हमने जानते नहीं खाली, और ऐसे ही बुचिया रोत रहती या यहीं बुचिया भी आ दीदी ऐसे ही रोत रहत रही। बताई जा हमने का करी जाओ, और घर वाला बढ़न जा इनकर भसुर गुतिनी सब इनके के दोषी कहता। हेलो हाय नमस्ते प्रणाम खुशी बोल सुन बोल रहा सुन आप लोग कैसे मिल जाए, उम्मीद करो कि बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त रही हैं, स्वस्थ रही हैं। और हाँ आप लोग के बहुत सपोर्ट की जरूरी है, हमारे सपोर्ट कर दिया, प्यार प्यार दे दिया। और हाँ आप लोग से आज अजीब बात बताया रहे मैंने कि ना हो जाला खेलम न खेली दे खेली बिगाड़ा ठीक बटे वो गाना शूटिंग करे बोल रहा नहीं चाहे कहीं बोल रहा, लेकिन फोन तो करे के चाहिए, ढंग से बात तो करे के चाहिए। दूसरी बात कि आज हम मुंड उठा के सोच रहे हैं कि हम केस कर चाहे कुछ आवेदन दिवाए, लोग घर वाला परिवार बोलते कि ना ये अच्छा बात नहीं कि सब चीज़ में फंसला के बाद आदमी निकल लेना, तो अपने भाई के समझाएंगे ना निकले रहा, तो हम कदिन ऐसे काम कर बताएंगे। तो ये सब सोच के बड़ी अजीब अंदर से होता थे क्यों हो रहे, जब जी अपन रहे हुए नहीं थे तो दूसरा भरोसा हम कैसे करें और का कहें। जब अपन सही ना रह ना तो कहीं ना क्यों सही मिलेगा, दीदी केहू से उम्मीद नहीं थी। घरे घरे खाना खा के जाइए आदमी तबे बहरियो मिलेगा, अब घरे ना खाए ना तो बहरियो के पूछे वाला नहीं थे। तो ऐसे ऐसे बात बाटे तो अजीब लागत अटे, यहाँ अला से कोई फायदा भैया ना जो उनके घर तो हो सके वो जल्दी बक्सर जाए वाला बानी, ऐसे कि अपने रूम पर रहब जैसे भी रहब, आए के मन हुई तो आए ना आए के मन हुई तो ना आए। और सपना तो हमेशा साथ में बड़ी हर बात की जाना तभी कि हाँ कैसे का होता थे। अभी भी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा कि सब दोषी तू वालू फलान ठेका, तो झगड़ा उगड़ा सुन के अजीब होता कि जो कि जितनी माना जाना वही के साथ ऐसा होता थे। और बहुत ज़्यादा ही झगड़ा हो गया बहुत ज़्यादा, और रुलाई इस बात क्या होता ना कि आज हम सोचने सुबह सुबह कि मैंने हाँ क्योंकि साथ ही जाके मैंने अभी चीज़ करे कब तक ले वो आदमी की हम ऐसे हालत में छोड़ दें। क्यों कह जाए कि मन के बड़ल धन के बड़ल ठीक मन के बड़ल ना ठीक, और हम परी के भी लेके परेशान हुई नहीं तो परी ना रहती तो हम सही से यहाँ से चली जाती, हम ना रहते कहाँ जाए तू छोड़ के, शादी हो गई बेटा शादी हो गई तो क्या करें, लेकिन परी ना रहती ना तो हम चले जाते। और ना हम इतना क्योंकि बात किया जाए क्योंकि हम इतना जो होते हम एक बार भी ना जो होते अपन कमाती या खाती करी ना तो सब दे ना करो तो क्यों ना दे, ऐसे आज वो नहीं है तो हमको कोई देने वाला नहीं, तो बात सही सच में ये बात है कोई नहीं देने वाला है, कोई चाहे वो अपना हो चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे कोई हो तो सास ससुर है ही नहीं है कि हम उसे पाए। और एक गुपनी है तो बड़ी है तो उसे कहने के बाद वो बोलने लगती है हमेशा कि तुम ये लोग का नौटंकी लगाए हमेशा ऐसे ही तो लोग करते हो, और जो हमारे देवर हैं वो तो हमेशा झगड़ा करते रहते हैं नहीं बोलते हैं, मन के ऊपर रहता है जब मन करेगा तो बोलेंगे नहीं मन करेगा तो नहीं बोलेंगे, और उन्हीं से हमारा लड़ाई हो गया है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए थोड़ा अजीब हो रहा है। और देखिए आप लोग से क्या कहें, हम लोग 3-4 लोग हैं लड़के में,
सोचे कि आज हम लोग राखी का वीडियो भी बना दें, लेकिन मन नहीं कर रहा है कि हम राखी का वीडियो का शूटिंग करें चाहे हाँ कोई काम करें। इतना काम करने का मन नहीं करता है, अंदर से अजीब हो गया है कि मैंने हम कहाँ चले गए। यहाँ तक कि खाना बनाने का भी मन नहीं करता है, और लोग बोलते हैं कि नहीं बनाती हो, बना के खा लो, ऐसे काम करो, ऐसे करो। तो कोई बात नहीं है, वो तो भगवान के ऊपर का है। और हाँ, आप लोग दोस्तों इतना सपोर्ट करिए, इतना और उनसे बात होती होगी तो आप लोग ज़रूर बोलिए कि हाँ ऐसी ऐसी बात है। और हाँ, उनके भी पास मोबाइल है बड़ा वाला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, वो लोग भी देखते होंगे वीडियो जिसके भी साथ होंगे। और हाँ, जिसके साथ हैं उनको भी हम बोल रहे हैं कि वो भेज दें, और हमारी गुतरी आ गई थी इसीलिए हम थोड़ा बढ़ा गए। तो देखिए वो कहाँ खड़ी है, दिखा दीजिए जी, देखिए दिखा देती कि उधर अभी एक खाना बना रही है और एक उधर गई है बाबू को लेकर। तो याद नहीं थी क्या बोल रही वीडियो में, तो जो बात रहेगा वही ना हम बोलेंगे। तो अंदर से अजीब हो रहा है, आपको जो बताइए कमेंट कीजिए, वही हम करने के लिए तैयार हैं। आप लोग जरूर बताइए कमेंट, तो आप लोग बताने के लिए तैयारी में रही है, और सुनने के लिए जो आप लोग कहेंगे वही हम बताएंगे। तो चलिए आप लोग को थोड़ा वीडियो दिखा रहे हैं, आप जो देवर के साथ बनाए हैं वो वीडियो हम आप लोग को दिखा रहे हैं, और अपने जेठ से अपने जेठानी से कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। तो इससे होगा इसे हम करेंगे और क्या। तो दीदी इस हालात में अभी तक अकेले ही रास्ते में चल रही है, कोई नहीं साथ में। हम जान भी नहीं रहे क्या करें क्या नहीं, जान दीजिए दूसरा शादी भी कर लेंगे तो मन में संतोष कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, छटकाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो सोचता है कि हम खूब खुश रहे वही तो दुखी रहता है, और वो सोचते होंगे कि हम खुशी को छोड़ के खूब खुश रहेंगे तो कभी नहीं रहेंगे, वो हमेशा दुखी में रहेंगे। और दूसरा से भी करेंगे ना तो उन लोग को भी हम कह रहे हैं कि जो अपने बीबी और बच्चा के नहीं हुआ तो ठीक है। बहुत अंदर से अजीब हो रहा है, और मेरा तबीयत आज अच्छा नहीं है, बहुत अजीब हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, सर भी दुख रहा है, पेट में दर्द है, और इसीलिए थोड़ा सोच के माथा दुख रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए बहुत परेशान है। देखते हैं दवा ववा मंगाते हैं किसी से और खा लेते हैं, नहीं तो हम नहीं सही रहेंगे तो कौन लड़ेगा इतना बड़ा दवा भाई, और परी को कौन देखेगा। तो आप लोग वीडियो में सही बने रहिए, और ढेर सारा प्यार करते रहिए, हमारा ब्लॉग देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। केस बहुत बेकार चीज़ है, मेरी खानदानी में ना केस वाला, अभी हमने खानदान में ऐसा नहीं खेल भाई केस फेस, तो वही ना नहीं खेल भाई, तो ऐसा बात नहीं है, केस उस का कीजिएगा, बताइए केस करके का कीजिएगा, केस करके का करो, ये अगला कह दी कि हमरा रखेंगे नहीं तो केस पे का कर दे, तो कैसे ना रखे दे आदमी, अगला कोई की तलाक दें तो फिर अपन मन को होला तलाक के कहे दे ना होला, ये ध्यान दे। वो तो नाम पागल नहीं की को आदमी से होला, जब तक ले दोनों आदमी राजी ना रहते तब तक तलाक ना होला, हे बता ठीक है बा, तोरो बात ठीक है बा, तलाक दियो तो दियो ना कि ना दियो, तो बस तो ऐसा नहीं कीजिए आप केस उसके वगैरह में मत फंसिए, क्योंकि केस ऐसा चीज है ना कि जो एक बार चला जाए फंस जाता है ना, निकलने का नाम नहीं लेता है नहीं, और ना तो क्यों ना कुछ कुछ ना कह देता थे। चलो ठीक बा, वो बात हर माना जाता, तो का आप लोग केस ऐसा चीज है ना, अपनी भाई की गलती सामने की स्वीकार करते, बस हमारी गलती कर देंगे कि तू ही गलती हो कभी, अरे वो तो मर्द मेरे झगड़ा में कौन जानता है भाई, नहीं तो मर्द मेरे झगड़ा में क्या जानता है कि हां दोनों आदमी में दोनों आदमी गलती कर ले होई, तो गलती कर ले अगले हल ही नहीं खे ना भेंट रहता ना मुलाकात होता फिर कैसे बताओ, तो भेंट करें जा हम कब तक ले भैया चुपचाप रह, ये मर्द तो नहीं तो तो लोग रोई गए और वेट कर लो दो चार पाँच दिन और वेट होई और बाद उपाय लागी नंबर ट्रैक करवावल जाई, नंबर का ट्रैक कर केहू कुछ ना करवा पाए ठीक ना, सब कुछ के सुधा होता है,
सब कुछ कर पाई, ठीक है? अगर कोई कुछ कर नहीं पाता ना तो आपको यहाँ पर नहीं रहने देता। अच्छा, माने के ना रह दीजिए? के रह दी बताओ, माने क्यों भगा दीजिए से? हम वही भगा दे। अच्छा, गाड़ी में दम मार।